देखते हैं हम, एक लाइन है जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि वो इक्वी डिस्टेंस हो, जैसे हम यहाँ से 0 शुरू कर रहे हैं, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो प्लस नंबर दिख रहे हैं, बाकायदा हम इंटीजर्स दिखा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर भी दिखा रहे हैं। 0 से इधर जाएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब देखिए 0 से लेकर 1 के बीच में आप आधे पे आ सकते हैं, 0 से आधे के बीच में आप 1/4 पे आ सकते हैं, 1/4 से और अगर अंदर जाना चाहें यहाँ पर तो 1/8 पे आ सकते हैं। ऐसे आपको सारी पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक गर्ल है जो यहाँ वॉक कर रही है इस साइड में, और आप देखें कि जैसे ये मूव कर रही है नंबर लाइन पे, तो ये नंबर्स कुछ कलेक्ट कर रही है। तो कौन कौन से कलेक्ट कर रही है, देखिए 0 से शुरुआत की इन्होंने, तो सबसे पहले क्या कलेक्ट किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं पहले 1/4 कलेक्ट कर लूंगी, 1 कर लूंगी, 2 कर लूंगी, ऐसे करके एक एक ये नंबर कलेक्ट कर सकती है। तो आप मुझे बताइए कि कितने नंबर कनेक्ट कर सकती है, ये इनफाइनाइट नंबर कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि नंबर लाइन में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अब आप चूज करिए और आप रखिए नंबर। तो जो होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, अगर इन्होंने 1, 2, 3 उठाया, केवल 1, 2, 3 ऐसे करके उठाए, तो क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरली हम बोलते हैं 1, 2, 3 ऐसे नेचुरली बोलते हैं ना, तो 1, 2, 3 आपके कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर। अब इन्होंने कहा कि हम 0 भी उठाएंगे, तो अगर इस नेचुरल नंबर के साथ आप 0 भी मिला दें तो इन्हें कहते हैं हम होल नंबर। होल मतलब 0 को मिला के 1, 2, 3 नेचुरल नंबर हो गए, क्योंकि नेचुरली हम 1, 2, 3 की बात करते हैं और 0 की बात कम करते हैं, लेकिन 0 इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको डालना तो पड़ेगा, तो इसलिए होल नंबर वो होते हैं जिसमें 0 होता है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। ये नंबर लाइन से इस तरफ जाने की जगह ये कहती है कि हम इस तरफ जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे, तो हम ये 1, 2, 3 तो लेंगे लेंगे, हम ये वाले भी 1, 2, 3 लेंगे, लेकिन किसी ने इन्हें बताया कि ये 1 और ये 1 तो एक है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम इसको -1 कर देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये क्योंकि बाएं हाथ पे है तो इसको -2 कर देते हैं, -3 कर देते हैं। तो यहां पर 1, 2, 3 -1, 2 और -3 और साथ में 0 मिला लिया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये जेड हो गया, जेड क्या हो गया, हमारे इंटीजर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3, होल नंबर हो गया 0 मिला लीजिए 1, 2, 3 में, अगर आप जेड ले लेंगे तो 0, 1, 2, 3 तो है ही है, और साथ में माइनस वाले नंबर भी उठा ले रहे हैं, लेकिन वो जो माइनस नंबर होंगे वो आपके कौन से नंबर होने चाहिए, डेसिमल नंबर होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में बात करेंगे। इंटीजर का मतलब सिंपल होता है कि आपके डेसिमल ना हो। तो जेड जो है वो आता है ज़ेलेन से, ज़ेलेन एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है काउंट, इसीलिए जेड नाम दिया गया है इंटीजर्स को। अब कुछ और भी बच गए हैं, आपने 0 ले लिया, 1, 2, 3 ले लिया, -1, 2, 3 भी ले लिया, कुछ और भी तो बच गया बीच में, 1/2, 3/4 ये भी तो बच गया, और इवन ये भी बच गया, ये भी एक नंबर है, इनको भी डाल लीजिए। अब ये भी बैग में भर देंगे तो ये इस सारे जो हो गए वो आपके रैशनल नंबर हो गए, इनको भी भर लिया हमने, और हमने कहा रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। रैशनल नंबर जो है वो रेशियो फॉर्म में है, रेशियो मतलब a/b फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, यानी ऊपर भी है न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर कर देता हूँ, इसको डिनोमिनेटर कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है रैशनल। ये रैशनल कहाँ से आया, रेशियो से, रेशियो मतलब a/b फॉर्म में, इसलिए रेशियो और आगे नल लगा दिया तो रैशनल बन गए ये। और क्यू जो है वो आ रहे हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर आ गए क्यू, हमने कहा कि क्वेश्चन से, तो रैशनल नंबर बन गया रेशियो से और क्यू बन गया क्वेश्चन से। तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं, किसे, क्यू से, रैशनल हम डिनोट करेंगे क्यू से। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद करिए, एक नंबर आर रैशनल नंबर कब होता है, यदि उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q फॉर्म मतलब न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाता है। तो सारे नंबर जितने भी है ना वो सारे के सारे आप p/q फॉर्म में रख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप कहते हैं मेरे पास -25 है, इसको p/q फॉर्म में कैसे होगा, ये तो मेरा इंटीजर मैंने बैग में डाला था, आप इसके नीचे 1 रख दिए, हर एक नंबर के नीचे 1 रख सकते हैं क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है, तो डिवाइडेड बाय 1, ये देखिए, तो इसमें p कितना हो गया -25, q कितना हो गया 1, तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो इंक्लूड, इसमें नेचुरल नंबर ऑलरेडी, रैशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, मतलब रैशनल नंबर अगर मैं बड़ा सेट बनाऊं तो उसके अंदर आपका नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया और इंटीजर आ गया, तो रैशनल नंबर और बड़ा हो गया, एक और बड़ा प्रारूप हो गया इसका। रैशनल नंबर
किसी का इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन पी बाई क्यू फॉर्म में है अगर हम कह रहे हैं, तो रैशनल नंबर दैट डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस फॉर्म उनको हम क्या बोलेंगे, जरा देखिएगा। अगर हमने हाफ कहा तो 2/4 होगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि रैशनल नंबर का कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ कैसे। अगर आप कहेंगे 2/4, मैं कहूंगा इसको 2 से, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2, 2 × 4, 1/2 आ गया। तो आप कह रहे हैं 2/4 भी एक ही चीज़ है, 1/2 भी एक ही चीज़ है, दोनों ही आपके रिप्रेजेंटेशन सेम है। कोई और आता है वो कहता है मैं 25/50 लिख दूं, ये 25 से करूंगा तो 25 1s are 25 2s are, ये भी 1/2 हो गया। तो इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है पी बाई क्यू फॉर्म में, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। और ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट मतलब 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, चाहे 47/94, ये सारे के सारे एक ही हैं, ये सारे के सारे एक ही हैं। तो रैशनल नंबर हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, क्यू इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। और पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि यहाँ 25/50 तो लिख रहा हूं मैं, राइट, और आप कह रहे हैं कि 25/50 को का कॉमन फैक्टर अगर इसके बीच में, जैसे कॉमन फैक्टर है तो आप कॉमन फैक्टर क्या कहेंगे, 25 होता है 5 × 5, 50 होता है 5 × 10, 5 काट दीजिए, अब भी 5/10 बचा। अब इसके बीच में क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, इसमें 5 × 1 कर दीजिए, नीचे वाले में 5 × 2 कर दीजिए, फिर काट दीजिए, 1/2 आ गया। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर रैशनल नंबर आप कह रहे हैं तो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। पी और क्यू आपस में को प्राइम तभी होंगे जब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होते उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। तो हाफ जो होगा वो सबको रिप्रेजेंट करता है, किसको, 2/4 को, 10/20 को, 25/50 को, तब हाफ को हम कहेंगे कि ये आपका क्या नंबर है, आपका रैशनल नंबर है जिसके ये सारे इक्विवेलेंट है। अब आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये बताइए, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत हो गया। क्यों, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, आप देखिए जीरो, यही तो बात हुई थी कि नेचुरल नंबर तो ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी काउंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, तो उसको काउंट कर जब किया तब होल नंबर कहा हमने, तो जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बिल्कुल सत्य है, कोई भी इंटीजर उठा लीजिए उसको 1/1 फॉर्म में लिख सकते हैं या पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू फॉर्म ही आपका रैशनल नंबर होता है, तो हर एक इंटीजर जो होता है रैशनल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर आपका इंटीजर होता है, ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप 3/5 करिए या आप 2/5 ही कर लीजिए, ये जो नंबर है ये आपके, अगर इनको निकालेंगे इनकी वैल्यू तो वो इंटीजर नहीं आती। इंटीजर ध्यान रखिएगा जो 1, 2, 3 इस फॉर्म में होते हैं, कोई भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है, ये आपका डेसिमल फॉर्म में आएगा, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, आपको डॉट मिलेगा इसमें। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2, 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं आपको पहला सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है, 1 + 2/2 कर दीजिए, राइट, 1 + 2/2, इसका मतलब आप 1 + 2/2 यानी 3/2। अब हमने 1 के बीच में और 2 के बीच में क्या निकाला, 3/2, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा। अब इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी 1 + 3/2/2 यहाँ बीच में आ जाएगा। ऐसे अब 3/2 + 2/2 कर लीजिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो नंबर आए इन दोनों के बीच में एक निकाल दीजिए, 10 + 10/2, तो ये 5/4, 11/8, 13/8, 7/4 सब इसी से आए, कितने भी निकाल सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। एक दूसरा तरीका इसका होता है, जैसे आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो 1 और 2 है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, क्योंकि हमको चाहिए 5 नंबर, हमको कितने चाहिए, 5, तो हम क्या करेंगे कि 5 + 1 6 से डिवाइड करेंगे और इसको हम 1 और 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब मैंने कहा मुझे 6, क्योंकि मुझे 5 नंबर निकालने हैं, तो 5 में से 5 से 1 ऐड कर लीजिए, 6। अब इसको डिवाइड करिए किसी नंबर से ताकि ये 1 आ जाए, तो 6/6 1 होता है, हमको 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो हमारा ये 6/6 1 हो गया। ऐसी में 6 नीचे होना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पर आए ताकि हमें यहाँ 2 मिले, तो क्या होगा, 12 12/6
ये वन हो गया, ये टू हो गया, मतलब दोनों, मैं वन और टू की बात कर रहा हूँ, चाहे हमने इसको सिक्स बाय सिक्स लिख दिया, ट्वेल्व बाई सिक्स लिख दिया, लेकिन हमने ये सिक्स क्यों किया, नहीं डिवाइडेड बाई, ये समझ गया क्योंकि हमको छह नंबर चाहिए, पांच नंबर चाहिए थे, और जितने भी नंबर चाहिए होते उसका एक ऐड करके हम डिवाइड कर देते हैं उस नंबर से जो वन बना दे, छह बाय छह और बारह बटे छह, तो एक और दो यही है। अब देखिए छह बाय छह, इसके बाद सात बाय छह, आठ बाय छह, ये सब इसके अंदर ही तो आते हैं, ये सब ग्यारह, ये बारह बटे छह के बीच में तो आ रहे हैं, नौ बाय छह, दस बाय छह और ग्यारह बटे छह, है ना, कितने नंबर आ गए आपके, छह सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बटे छह और बारह बटे छह, तो है बारह बटे छह और छह बाय छह, इसके बीच में कितने नंबर आ गए, पूरे आपके पांच आ गए। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, परिधि नहीं है, कितने भी नंबर हम निकाल सकते हैं। अब जरा नंबर लाइन पे हम दोबारा आते हैं, क्या आपने सारे नंबर ले लिए थे, मैंने जैसे बताया आपको कि आपके बहुत सारे आपने गैप्स छोड़ दिए थे, इसका मतलब यह है कि नंबर लाइन में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे गैप्स आपने छोड़े थे, हर एक पॉइंट पे आपको एक नंबर मिलेगा, उससे अंदर जाएंगे, जाते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको नंबर मिलता रहेगा। तो हमारे पास दो सवाल इसमें आते हैं, कौन कौन से नंबर हमने जो हमने छोड़ दिए उनको क्या कहेंगे, इनको रिकोगनाइज कैसे करेंगे, इनको पता कैसे करेंगे कि ये क्या रैशनल है या नहीं है, ये रैशनल के अलावा कुछ और है क्या, तो इसको देखिएगा।